धर्म के प्रति तमाम प्रकार की कुरीतियों का पाखंड बता करके, उनको गलत प्रलोभन दे करके धर्मांतरित करने का कुचक्र ये ईसाई मिशनरियाँ कर रही हैं, ये निश्चित रूप से आपराधिक धारा में आता है। कई बार जिला प्रशासन को इस पर चेतावनी दी गई है, लिखित रूप से ज्ञापन भी दिया गया है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से सभी एनजीओ के साथ बैठक जिलाधिकारी व अन्य सक्षम अधिकारी करते हैं, उस प्रकार से वर्ल्ड विजन संस्था और इससे संबंधित सभी विद्यालयों के जो इन्वॉल्व है धर्म परिवर्तन में, उनके साथ बैठक करने के लिए आज बात हुई है। एक सप्ताह के अंदर यदि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल जबरदस्त आंदोलन करने के लिए बात होगा। दूसरा विषय हमारा लोगों का आशा था कि गोमांस प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 दर्जन घायल और मृत्यु के आगोश में समा जाता है। हम चाहते हैं कि हिंदू समाज हो या किसी धर्म का व्यक्ति हो, अपने गोवंश को बांध करके रखे, छुट्टा रखेगा तो दंड का भागी होगा। और दूसरी बात, नगर पालिका के द्वारा लावारिस गोवंश को उठाने के लिए जो शुल्क मांग रही है वो निश्चित रूप से अवैध है। आज इस पर भी पुरजोर प्रदर्शन किया गया है। जिलाधिकारी से कहा गया कि इस पर नगर पालिका अपने आदत में परिवर्तन लाए, सुधार लाए। डीओ महोदया बैठती नहीं है, फोन नहीं उठाती है, इस पर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने बातचीत की। प्रदेश सरकार गौरक्षा करने में का नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में सरकारी गौशाला बनाने के लिए कृत संकल्पित है और इसका कार्य भी चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं और समाज भी ये कहता है कि गोवंश गौशालाओं में सुरक्षित नहीं हो सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में गोवंश पाल करके उसका दूध प्राप्त करता है, दूध प्राप्त करने के पश्चात उसको छोड़ता है, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए गौशालाओं पे हम विश्वास नहीं रखते हैं किसी भी प्रकार का। हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर में हमारी बूढ़ी माता गौ माता, जिसमें 84 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर वास करते हैं, यदि हिंदू धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है तो गौ माता को अपने घर में पाले, आर्थिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी गौ माता को अपने घर में पाल करके उनका संवर्धन संरक्षण हो सकता है, गौशालाओं पर नहीं हो सकता है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इसको समर्थन करता है। एक संस्था द्वारा धर्म परिवर्तन काफी दिनों से किया जा रहा है जनपद में, आपने कितने अब तक धर्म परिवर्तन संस्था द्वारा कर चुके हैं? लगभग 4 से 5 हजार परिवारों में ईसाई मिशनरियां एवं विद्या संबंधित विद्यालय धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। हम लोग गांव-गांव जा करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो वापसी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये झूठा प्रलोभन दे करके तुमको नौकरी दिलाएंगे, तुमको लोन पास करेंगे, तुमको भैंस